हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर कॉमिक कन्वर्सेशन। यहाँ पर हम कॉमिक्स को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं सुपर हीरोज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो कैप्टन मार्वल को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है और उसमें स्क्रल्स दिखाए गए, तो आपको यही लग रहा रहेगा कि स्क्रल्स अब भी अर्थ पर है कि नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कॉमिक के हिसाब से है और ये कॉमिक 6 मार्च को ही पब्लिश की है, तो फिर वो शायद मूवी में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमिक को। तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि स्क्रल्स करते क्या हैं। तो स्क्रल सिर्फ शेप शिफ्टिंग करते हैं और कुछ स्क्रल्स अर्थ पर भी आए हैं। तो कॉमिक के पहले पेज पर हमें एक आदमी दिखता है और ये बात कल की होती है। वो आदमी ब्लैक ड्रेसअप में होता है जो गाना गा रहा है और कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो वो एक फैमिली को पीछा करता है और उसके पास टेजर ग्लव्स होते हैं जिससे वो उस फैमिली को मार देता है और कहता है कॉल लगा के कि मैं एजेंट एको लिम और प्रोजेक्ट ब्लॉसम नेक्स्ट फेज के लिए रेडी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ बच्चे फील्ड ट्रिप पर आए हैं और वहाँ एक लड़की दिखती है जिसका नाम एलिस होता है। तो उसके हाथ में कैटरपिलर होता है और वहाँ दो लड़कियाँ आते हैं और एलिस को चिढ़ाने लगते हैं और वो लड़कियाँ कहते हैं कि देखो एलिस ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं। और केली उस कैटरपिलर को मार देती है। फिर अचानक मिस सेलेजर उन्हें बुलाती है और पूछती है कि तो एंड्रिया और केली कहते हैं कि वे बस एलिस से बात कर रहे हैं और टीचर पूछती है कि एलिस कहाँ है। तो एलिस नहीं होती है, उसने बटरफ्लाई का फॉर्म ले लिया होता है और वो घर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिस अपने फैमिली के साथ लंच कर रही होती है और उनके घर में कोई भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहेगा, ऐसा रूल होता है जब सब घर में रहेंगे डिनर या लंच के वक्त, और सब अपने पूरे दिन का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो एलिस की बड़ी बहन जो मेडिसन है वो बताती है कि कैसे वो अपने नए दोस्तों के साथ घुल मिल रही है। और फिर एलिस की मॉम ग्लोरिया बताती है कि कैसे उन्होंने बॉस को ब्लैकमेल किया और उन्होंने बेकर के लिए परमिशन मिल गई। और फिर उनके डैड काल बताते हैं कि आयरन मैन को कुछ पता नहीं कि उनका एक कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट ब्लॉसम में है। और डैड एलिस को पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तो एलिस कहती है कि कुछ नहीं। और डैड एलिस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुमने पावर्स यूज़ की। और मॉम कहती है कि कहो कि ये एमरजेंसी थी। और एलिस बताती है कि वहाँ क्या क्या हुआ और ये सब टारगेट पर आए गए होते और उन्होंने पकड़ लिया होता इन स्क्रल्स को और प्रोजेक्ट ब्लॉसम पूरा हो जाता और उनके लिए छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती और ये फैमिली वो बस उनके लिए एक मिशन है, ऐसा उनके डैड कहते हैं। और फिर एलिस वहाँ से गुस्सा में ओके चले जाती है और फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं और मेडिसन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वहाँ काल बिली अंकल के साथ दिखते हैं जो खुद एक स्क्रल्स है। तो काल को उस स्क्रल के फैमिली के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ग्लोरिया एक अच्छी ब्रीडिंग स्क्रल है और तुम्हें हमारे फैमिली के ऑफस्प्रिंग्स भी बस
क्योंकि यहाँ पर बलि पड़ी है तो सिर्फ इंसानों के तौर तरीके पसंद करती है और फिर से शिफ्ट होता है और काल लोगों को देखती है लेट्स पर से और फिर से शिफ्ट होता है ब्लैक सूट वाला गाइस आप कितने एक्साइटेड हैं इसके सेकंड इशू के लिए कमेंट करके लिखें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें सुपर कॉमिक कन्वर्सेशन को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाए।